गेम क्लब भाई, फ्री फायर गेम का अपडेट आ चुका है तो इसके बाद मैं वन टैप कैसे लगाऊं यार। मुझे लगता है सब कुछ सेटिंग चेंज कर दी है फ्री फायर वालों ने। अबे तूने साले ट्राई नहीं किया है और मुझे लगता है तू वीडियो भी नहीं देखा है और तू अपने दोस्तों को शेयर भी नहीं कर रहा है। अरे नहीं गेम क्लब भाई, मैं तुम्हारी वीडियो पूरी देखता हूं और अपने दोस्तों को भी शेयर करता हूं। अभी तो इतना चैनल डाउन क्यों जा रहा है यार, इतने कम व्यूज आ रहे हैं इतने बड़े चैनल पर, समझ भी नहीं आ रहा है यार। तो यूट्यूब ने डीमोनेटाइज भी कर दिया है। गेम क्लब भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपका कोई ना कोई वीडियो जरूर वायरल जाएगा। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग वन टैप कैसे लगा सकते हैं आफ्टर अपडेट के बाद में, मतलब यानी कि आप लोगों को कस्टम एचयूडी बताऊंगा और फ्री फायर की गेम की सेटिंग बताऊंगा आप लोगों को क्या सेटिंग रखनी है ताकि आप लोगों के वन टैप बहुत ही तेजी से लग सके, बहुत ही आसानी के साथ लग सके। सबसे पहले नंबर आप लोगों को फ्री फायर गेम को ओपन करना है, गेम की सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिखेंगे जनरल, रेड डॉट, 2x, 4x, 3 लोड। अब आप लोगों को इन ऑप्शन के साथ करना क्या है, जनरल को 100 करना है और रेड डॉट को भी 100 कर लेना है, 2x, 4x को 50-50 कर लेना है, क्योंकि 2x, 4x आपका जगह में आएगा जब आप लोग इस कार्या पर जितनी भी स्कोप वाली गन्स आती है ना उनका यूज करें। तो आप लोगों को स्कोप वाली गन का यूज नहीं करना है वन टैप के लिए, आप लोगों के बल M1887 शॉटगन, M10 डीजर्ट ईगल इन गन का यूज करना है। तो आप लोगों को और बाकी के ऑप्शन से आप लोगों को लेना देना नहीं है। 3 लोड वाला ऑप्शन आप लोगों को तब यूज करना है जब आप लोग आई बटन वाली बटन का यूज कर सकते। आई बटन का आप लोगों को यूज कहां से करना है, तो आप लोगों को अपनी सेटिंग्स में जाना है, आई बटन को ऑन कर देना है ताकि आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा बटन आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा बटन अपने पास में नहीं रखने हैं, आप लोगों के बस इस सेटिंग के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद आप लोगों को देना है दूसरे स्टेप के ऊपर ध्यान। अब देखिए, अब आप लोगों को जाना है अपने सेटिंग्स में, कस्टम मोड में जाना है, कस्टम मोड में आप लोगों को जितने भी बटन है यहाँ पर सभी बटन को हटा देना है, केवल इन 4 बटन को छोड़ करके। देखिए कस्टम एचयूडी मैंने यहाँ पर रखा है ना स्क्रीनशॉट, अब देखिए मेरे सामने कस्टम एचयूडी है, अब आपको सभी बटन को हटा देना है, केवल इन 4 बटन को रखना है। देखिए मैं कस्टम एचयूडी को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये देखिए ऊपर मैंने बाकी के बटन रखे हैं सब, अब इन 4 बटन की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले नंबर आपको भागने के लिए स्प्रिंट वाले बटन की जरूरत पड़ेगी, गन स्विच वाले बटन की जरूरत पड़ेगी। आप लोग गन स्विच अगर आप लोग मिली वेपन से करते हैं तो मिली वेपन का आप लोगों को यूज करना है, अगर आप लोग एक एक्स्ट्रा बटन चाहते हैं गन स्विच का तो आप लोगों को एक्स्ट्रा बटन को ऑन कर लेना है। अब देखिए भागना है, गन को स्विच करना है, अगेन जंप करना है, भागना है, गन को स्विच करना है, जंप करने वाले बटन के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है एंड फायर बटन के ऊपर ध्यान देना है, और फिर नीचे जैसे आपका बंदा है फिर आपको गन स्विच करके फिर से भागना स्टार्ट कर देना है। बस केवल इन बटन के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है और जितने बटन है इसमें एक्स्ट्रा सभी बटन को रिमूव कर दो, मतलब जितने भी बटन है सभी बटन को रिमूव कर दो, सब भी बटन को रिमूव कर दो ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल रहे ना, आपकी जो कस्टम एचयूडी है बिल्कुल एकदम सिंपल बनाओ ताकि आपको कंफ्यूजन रहे कि अब इस बटन को दबाना है, इस बटन को दबाना है। केवल आपको इन केवल 4-5 बटन के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ट्रेनिंग राउंड में, क्योंकि बाकी के जितने बटन है उनका इतना ज्यादा यूज नहीं है, मतलब यूज है लेकिन उनका इतना फास्ट यूज नहीं करना। जैसे आपको मेडी मारना है तो आप कपड़े में जाकर के इजिली मेडी मार सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को फास्ट फिंगर थोड़ी करना है, मतलब आप लोगों इन केवल 4 बटन के ऊपर आप लोगों को अपनी फिंगर को सेट करना है कि कब कौन सी फिंगर को दबाना है। अगर आप लोग 2 फिंगर है, अगर 3 फिंगर है तो 3 फिंगर के लिए आप लोगों को एक बटन को ऊपर रख देना है और एक उंगली को कमांड दे देनी है कि भाई आपकी जो उंगली है वो इस बटन को यूज करेगी। लेकिन मैं अभी आपको 2 फिंगर वाले प्लेयर के साथ ही बताने वाला हूं कि आप लोगों को 2 फिंगर की कस्टम एचयूडी क्या रखनी है। ठीक है, अब आप लोग को केवल इन 4 बटन के ऊपर ध्यान देना है, स्प्रिंट करना है मतलब भागने वाले बटन के ऊपर, गन स्विच करना है, जंप करना है, फायर करना है और फिर से गन स्विच करके भाग जाना है, मतलब वहां पर रुकना नहीं है। आप लोगों को वन टैप के लिए आप लोगों को फायर बटन पर क्लिक करके नहीं रखना है, आप लोगों को एक बुलेट चलानी है, बंदे एनिमी को पड़े या ना पड़े आप लोगों को वहां से तुरंत ही भाग जाना है, उसको लगे बुलेट या ना लगे आप लोगों को तुरंत ही भाग जाना है। ऐसा नहीं कि आप लोग वहीं पर खड़े होकर दूसरी बुलेट चला रहे हो, तीसरी बुलेट चला रहे हो, नहीं, आप लोगों को वहां से भाग जाना है तुरंत, आप लोग वन टैप इजीली लगेंगे। अब चलिए मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में चल करके आप लोग दिखाता हूँ। देखिए सामने मेरे बंदा आया, मैंने तुरंत ही भागा, गन को स्विच किया एंड मैंने अगेन ट्रैक किया, मतलब रोटेशन ट्रैक किया। अब सिचुएशन आप मैंने देखा ना कि मेरे साइड में किस साइड बंदा है, मैंने सिचुएशन देख करके बंदे को डाउन किया एंड फिर से मैंने गन स्विच किया, अगेन भाग गया। कितना आसान है यार वन टैप लगाना, बहुत आसान है वन टैप लगाना, मतलब आप लोग एक बार ही प्रैक्टिस करिए, आप लोग एडम को प्रैक्टिस करनी है और आप लोग इजिली वन टैप लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों को कस्टम एचयूडी के बारे में बता दिया है, वन टैप की सेटिंग के बारे में बता दिया है, मतलब आपको क्या सेटिंग रखनी है और आप लोग अपने फायर बटन को किस तरह से पॉजिश, किस तरह से आप लोगों को ड्रैग करना है वो बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वन टैप कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे वन टैप नहीं लग रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए, आप लोगों को वन टैप इजिली लगेंगे इस वीडियो के बाद, आपके वन टैप इजिली लगेंगे। आप इस स्ट्रेटजी का यूज फ्री फायर मैक्स में भी कर सकते हैं, फ्री फायर में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। आप फ्री वन टैप के साथ साथ आप लोगों को मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी या फिर आप लोगों को कस्टम एचयूडी की जरूरत पड़ेगी, क्या कस्टम एचयूडी रखें, लेफ्ट और राइट में आप लोगों को वीडियो देख रही है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।